नमस्कार। एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने धूमधाम से सगाई कर ली है। पत्रलेखा को प्रपोज करते हुए राजकुमार का एक बेहद ही क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजकुमार घुटने पर बैठकर अपनी लेडी लव को प्रपोज कर रहे हैं। खास बात यह है कि पत्रलेखा भी उनकी तरह घुटने पर बैठकर हां बोल रही है। इस वीडियो की हर तरफ चर्चा हो रही है। इन सब के बीच इन दोनों स्टार्स की जिंदगी का आज एक ऐसा किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद आप सब नहीं जानते होंगे। दरअसल ये किस्सा है राजकुमार राव और पत्रलेखा की मुलाकात से पहले का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पत्रलेखा राजकुमार को काफी गलत शख्स समझती थी। पत्रलेखा ने राजकुमार की फिल्म लव सेक्स और धोखा देखी थी। उनको लगता था राज ने जैसा अजीब किरदार फिल्म में निभाया है, हो सकता है वो असल जिंदगी में भी ऐसे ही हो। इसका खुलासा खुद राजकुमार ने कपिल शर्मा के शो में किया था और बताया था उनको लगता था ये ऐसा ही नीच आदमी है और यही समझकर वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। हालांकि जब दोनों के बीच बातचीत हुई तो पत्रलेखा की सोच पूरी तरह से बदल गई। वैसे राजकुमार ने जब पत्रलेखा को पहली बार एड फिल्म में देखा था तो वो उनसे काफी प्रभावित हो गए थे। उन्हें लगा ये कितनी प्यारी लड़की है, इससे तो शादी कर लेनी चाहिए। दोनों के विचार एक दूसरे को लेकर बिल्कुल अलग थे, पर वो कहते हैं ना, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। एक दूसरे को कई साल से डेट कर रहे राजकुमार और पत्रलेखा फाइनली शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। आपको बता दें, दोनों ने सगाई तो कर ली है और इसी के साथ उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई। खैर, राजकुमार और पत्रलेखा से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।